और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। ग्राम मेडियाना मेला की महाआरती पिछले 2 साल के बाद शुरू हुई। पिछले 2 सालों से कोरोना काल होने की वजह से यह मेला नहीं भरा। इस साल यह मेला बहुत अच्छा भरेगा। रात्रि में श्री बालाजी महाराज के सत्संग का आयोजन डुडियाना तालाब की पाल पर समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में हुआ। सुबह राम कुमार जी भूतड़ा गांव के विशिष्ट तथा ग्रामीणों के साथ गाजे बाजे से मंदिर परिसर पहुंचे। अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन के अध्यक्ष तथा गांव के प्रति लगाव रखने वाले राम कुमार भूतड़ा साहब और उनके परिवार द्वारा महाआरती की गई, जहां मंदिर परिसर में भूतड़ा ने समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद दिया उनकी एकता के लिए। साथ ही संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गांव के प्रति हर व्यक्ति को लगाव रखना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। भूतड़ा साहब ने गौ रक्षा समिति की बहुत सराहना की तथा ग्राम डोडियाना से निकलने वाले रामदेवरा यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधा करने वाले डॉक्टर मुकेश सोनी और डॉक्टर कैलाश मेहरा तथा उनकी टीम को धन्यवाद अर्पित किया। आज सुबह के समारोह में रामस्वरूप जी भूतड़ा, रमेश भूतड़ा, गोपाल भूतड़ा, चंद्र प्रकाश बिरला, शंकर प्रजापत, मनोहर सिंह, भूतपूर्व उप सरपंच रघुवीर सिंह, एडवोकेट पुनाराम चोयल, विजय राज सोनी, हनुमान प्रसाद दाधिच, नंदकिशोर दायमा, गणपत सिंह, गोपाल सिंह नरुका सहित समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो गांव में अपनी जन्मभूमि में आकर के बड़ी प्रसन्नता होती है। ये मनुष्य जीवन में मातृभूमि सब कुछ है, माँ और मातृभूमि, और जो माँ और मातृभूमि का ख्याल रखता नहीं वो इंसान ही नहीं। और मुझे तो ग्राम में आकर के अपनी जन्मभूमि में आकर के बहुत प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता होती है। और गांव के सारे लोग, सारे नागरिक बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। अभी भी चर्चा हुई भाई गायों के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तो इस तरह की जो भाव भक्ति है हमारे गाँव में, कल रात्रि को जागरण संपन्न हुआ, सारी रात आप लोग थे उसमें गाँव के, और बहुत ही सुंदर मेला, बहुत ही लोगों की अच्छी उपस्थिति बाला साहब के दरबार में इतनी बढ़िया हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से कि आप खूब खुशहाल हो, समृद्ध हो और किसी प्रकार की बीमारी हमारे गांव में नहीं रहे, प्रार्थना करता हूँ। जमाने में अगर हमारे युवा साथी जिस तरह से गायों की सेवा में लगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे गाँव के लिए। गौ माता के आशीर्वाद से उनका तो कल्याण होगा ही होगा, पूरी बस्ती नगर का कल्याण होगा। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मैं आश्वासन देता हूं कि आवश्यकता पड़े तो मैं आर्थिक मदद करने के लिए तैयार। इसके अलावा मेले में नागरिकों के लिए जो व्यवस्था हमारे साथ दे रहे हैं उनके लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सारे युवा साथियों को मैं आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।